नितेश इडियो में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का मेरा न्यू टॉपिक है जो क्या है, भारत का प्रतीक चिन्ह और उनका नाम। भारत का प्रतीक चिन्ह और इनका नाम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा दो लाइन सुन लीजिएगा। जो दो लाइन है जो क्या है, आँखों में न दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का दोस्तों मेरा, इसको खोना नहीं, इसको खोना नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे जारी रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, क्या है राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक एवं चिन्हों का नाम। राष्ट्रीय पहचान एवं प्रतीक चिन्हों का नाम नाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरंगा, इसका आंसर हो जाएगा तिरंगा, तिरंगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। इसका आंसर हो जाएगा जाना गाना माना है, जाना गाना माना है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जाना गाना माना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ, अशोक अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। फिर मेरा अगला टॉपिक क्या है भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सप्त सवत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते। फिर मेरा अगला टॉपिक क्या है भारत का राष्ट्रीयता क्या है। तो भारतीयता। भारत का राष्ट्रीयता क्या है, तो भारतीयता। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। फिर मेरा अगला टॉपिक क्या है भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि। भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है। तो हिंदेश का प्यारा झंडा। इसका आंसर हो जाएगा हिंदेश का प्यारा झंडा। क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है। तो हिंदेश का प्यारा झंडा। फिर मेरा अगला टॉपिक है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपिता किसको माना जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, तो महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय विदेशी नीति है तो इसका आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्ष नीति। भारत का राष्ट्रीय विदेशी नीति है तो क्या हो जाएगा गुट निरपेक्ष नीति। फिर मेरा अगला टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है। भारत रत्न। इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। फिर मेरा अगला टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या हो जाएगा संदेश पत्र। फिर मेरा अगला टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद। तो बरगद। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो इसका हो जाएगा रुपया। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो रुपया। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है। तो गंगा नदी। इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है तो गंगा नदी। फिर मेरा अगला टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। फिर मेरा अगला टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है तो कमल। फिर मेरा अगला टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आम। फिर मेरा अगला टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय योजना क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचवे वार्षिक योजना। भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है पंचवे वार्षिक योजना। फिर मेरा अगला टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हॉकी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है तो जिलेबी। फिर मेरा अगला टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है। आंसर हो जाएगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। एक में आंसर हो जाएगा 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस। एक में हो जाएगा पंद्रह अगस्त स्वतंत्र दिवस। क्या है भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और दूसरा क्या है पंद्रह अगस्त स्वतंत्र दिवस। तो चलिए दोस्तों आज का इसी टॉपिक के साथ मेरा टॉपिक समाप्त हुआ। तो
तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस टॉपिक के साथ धन्यवाद।